मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। सो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, डेली सुबह 5 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डेली सुबह 5 बजे जगकर इस सेशन को देखते होंगे, 4-5 घंटे रेगुलर जो है वो पढ़ाई करते होंगे, ताकि आपका आने वाला एग्जाम के अंदर आप एक एस्पिरेंट के तौर पर नहीं, एक कॉम्पिटिटर के तौर पर पेपर के अंदर उतरे और काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करें। देश के हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको मालूम है दोस्तों, लास्ट मोमेंट पे करंट अफेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर की कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप डेली 10 मिनट देंगे और साथ में आधा घंटा 8 बजे वाले सेशन को देंगे, तो आपकी लाइफ के अंदर और साथ में एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। आज का जो अपना पहला सवाल था, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे भी था, वो भी देख लेते हैं। पृथ्वीराज के बारे में मैंने पूछा था, ये कौन से खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, ये किससे? शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, काफी अच्छे शूटर पे हैं जो कि ये माने जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 800 से अधिक नेपाली गोरखा सेवादारों की भर्ती करके एक नई विशिष्ट इन्फेंट्री बटालियन बनाने की घोषणा करी है? तो जैसे कि आपको मालूम है, एक बार हिटलर ने भी बोला था कि अगर मेरे पास गोरखा होते तो मैं पूरी दुनिया जीत चुका होता। ठीक है, तो उसी चीज को तो अभी भी रिसेंटली क्या हुआ है, ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया है, गोरखा के जो सेवादार हैं उनको एक भर्ती करके एक नई बटालियन बनाई है। तो ये देखिए, ब्रिटिश आर्मी जो है रिक्रूट करने वाली है 800 नेपाली गोरखा को, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। और करंटली जो है गोरखा के जो है 3% ब्रिटिश आर्मी में ऑलरेडी है, 200 साल इनको सर्विस में हो चुके हैं। उनकी इस बढ़िया डिसिप्लिन की वजह से, और एक बार आपको मालूम है एंग्लो नेपाली वॉर भी होती है 1814 और 16 के अंदर, तो उस टाइम पे जो है जीतने के बाद ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया था कि वो गोरखा सोल्जर को क्या करेंगे, आर्मी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। और काफ़ी सारी लड़ाई हैं जो कि ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से गोरखा ने लड़ाई है। इनफैक्ट दोनों वर्ल्ड वॉर के अंदर भी गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ा है। अगला है, एकल पुरुष सिविल्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 का विजेता कौन है? पुरुष एकल स्विस ओपन की बात हो रही है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, शी यूकी यहां पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों, सीपीसीबी की बात करूं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, ठीक है, तो ये वाटर एक्ट जो है, वाटर एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया था, बहुत ही पुराना है, 1974 के अंदर इसको बनाया गया था। एक स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करती है। और जितने भी इसके बाद में, फिर आपको मालूम है वाटर के बाद में एयर एक्ट भी आ गया। एयर कब आया था? एयर एक्ट जो है एयर पॉल्यूशन को लेकर, ये देख सकते हो आप, 81 के अंदर आया है ना। उसके बाद में फॉरेस्ट को लेकर भी, फॉरेस्ट को लेकर तो हमने एनजीटी जो बॉडी है वो ऑलरेडी बना रखी है, फॉरेस्ट को लेकर तो और पेड़ पौधों को लेकर तो, लेकिन फिर भी जो इन्वायरमेंट है वो भी आपको मालूम है, इन्वायरमेंट एक्ट भी अपन ने 1986 में इम्प्लीमेंट किया था है ना, तो ये सब भी ध्यान रखिए। एसपी सिंह परिहार जी है जो कि अभी चेयरपर्सन है, किसके? सीपीसीबी के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दिल्ली के अंदर इनका ऑफिस है। आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। नॉन फिक्शन उपन्यास के लिए विडहम कैम्बल पुरस्कार किसने जीता है? विडहम कैम्बल पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पे रघु कार्नाड जी है जिन्होंने इस टूर्नामेंट, इस वाले प्राइज को जो है वो जीता है। ठीक है, नॉन फिक्शन के लिए प्राइज है, किताबों के लिए, लिटरेचर के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने 2019 शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है दोस्तों T20 टूर्नामेंट है, और इस बार जो है किसने जीता है? कर्नाटका ने जीता है, तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हो आप, 2019 का टाइटल जीता है और दिल्ली को उन्होंने हराया है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं।
संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो आपको मालूम है लोकसभा आने वाले हैं दोस्तों इलेक्शन 3 वीक बाद में, और इसीलिए लोकसभा के ऊपर कई सारे सवाल भी है जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको मालूम है टोटल जो है लोकसभा के अंदर कितने 552 मेंबर ही हो सकते हैं, और जब भी प्रेजेंटली कितने 545 है, तो आपका आंसर तो 552 हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें से आपको मालूम है 530 तो कहाँ से आते हैं, स्टेट के अंदर से आते हैं, राज्यों में से। 20 जो है वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 2 जो है वो कहाँ से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आम चुनाव में सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, अगर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछे तो लद्दाख हो जाएगा आंसर, सबसे छोटा पूछे तो चांदनी चौक हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। 2019 सर एबल पुरस्कार किसने जीता है? डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर काम करने को लेकर यूएस की लेडी है जो कि फर्स्ट लेडी है जिनको मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला सर एबल पुरस्कार से नवाजा गया है। कैरन इनका नाम है, क्या नाम है, कैरन, ठीक है, कैरन इनका नाम है, ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। सर एबल जो है, एबल नाम से एक बहुत ही नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे इसकी शुरुआत करी गई थी, और ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है वैसे इसकी शुरुआत हुए, 2003 में पहली बार दिया गया था नॉर्वे के द्वारा, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और साइंटिस्ट का नाम था उस हेनरिक एबल, उनका नाम था 18 सेंचुरी के, उनके नाम पे इसको दिया जाता है। आगे देखते हैं, चक्रवात बम द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को बर्बाद कर दिया गया था? तो एक साइक्लोन आया था बॉम नाम का, इसलिए कौन से रीजन को कुछ टाइम पहले पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, ये आपको बताना है, और ये आपका आज का क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से नॉलेज लेते रहें। साथ में मंडे से सुबह 8 बजे आपका 8 बजे वाला जो सेशन है करंट अफेयर का वो भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन जरूर करेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो के नीचे प्लस कोर्सेज है, वाईफाई स्टडी कूपन कोड यूज़ करिए, 10% ऑफ भी मिलेगा, और साथ में आप किसी भी एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर सकते हैं मात्र 800 रुपये में। 700 रुपये पर मंथ के अंदर रेलवे का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो JEE NTPC टेस्ट सीरीज डाउट सब कुछ आप जो है वो पूछ सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।